गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो है परसेंटेज पे। परसेंटेज का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, पॉइंट से परसेंटेज में, पॉइंट से परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, परसेंट से पॉइंट में या फ्रैक्शन में, जो तीनों का रिलेशन होता है पॉइंट, फ्रैक्शन और परसेंटेज का, वो हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले इसके वर्ड पे आते हैं, वर्डिंग पे आते हैं। परसेंटेज जो पर मीन्स होता है हमारा आउट ऑफ, पर मीन्स क्या होता है आउट ऑफ, और सेंटेंस मीन्स, सेंट मीन्स हंड्रेड। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है आउट ऑफ हंड्रेड्स, मतलब कि इसमें हम कैलकुलेशन जो करते हैं आउट ऑफ हंड्रेड्स पे करते हैं। जैसे कि अगर दिया हुआ है 70%, 70% मीन्स क्या होता है 70 आउट ऑफ 100, 70 आउट ऑफ 100। अगर 70% दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि 70 आउट ऑफ 100, मतलब कि 100 में 70, 70 आउट ऑफ 100 मीन्स 100 में 70। ठीक है, अगर 35% दिया हुआ है, 35% दिया हुआ है, इसका मतलब कि 35 आउट ऑफ 100, मतलब कि 100 में 35। अगर कोई 35 मार्क्स पाया है, 35 नंबर पाए हैं, 35% नंबर पाए हैं, तो 35% मीन्स कि 100 में 35 नंबर पाया है। अगर 100 में 35 पाया है, इसका मतलब क्या हुआ 35% नंबर पाया हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज मीन्स होता है आउट ऑफ 100। तो इसमें जो है परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, तो इसको समझ लेना चाहिए कि 100 में हम 70 है या 35 या 40 है, ये हम देखते हैं। आउट ऑफ 100 हम कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज में, जो होता है आउट ऑफ 100 हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि एक्सप्रेसिंग ए डेसिमल इनटू परसेंटेज। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है 0.25, अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो 0.25, इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब कि पॉइंट को अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे। पॉइंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, नीचे भी, मतलब आप इस रूप में भी लिख सकते हैं 100/100। अगर हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वैल्यू हमारी उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये 100 से कट जाएगा तो 0.25 बचेगा। ऊपर नीचे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है, 100 है ये 0.25, तो ये 25/100 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पॉइंट जो है दो डिजिट के पहले पॉइंट है, पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉइंट खत्म हो गया, तो 25 ऊपर बचा, 100 नीचे बचा। इसको हम लिख सकते हैं 25/100 को लिख सकते हैं 25%। ठीक है, 25% हम लिख सकते हैं। ऐसे अगर जो है 0.40, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 0.40 × 100/100 = होगा 40/100, और ये हो जाएगा 40%। ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये 0.40 था, इसको कह सकते हैं 40 था, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया, ये आपका इस फॉर्म में 40% आ गया। इन केस अगर 3.5 है तो 3.5 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 3.5 × 100/100 = आपका हो जाएगा 350 आ जाएगा।
क्योंकि एक जीरो है पॉइंट खत्म होगा तो एक जीरो बचेगा अपॉन 100, ये आपका हो जाएगा 350%, 350% मतलब 350%। ये आपका जो है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, आपका पॉइंट था, दशमलव था, दशमलव में था, थर्ड क्वेश्चन था, ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। इन केस आपका आता है चौथा क्वेश्चन है आपका 0.05, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 0.05 × 100/100 इजिकल टू आपका हो जाएगा 5/100 इजिकल टू आपका 5%। ठीक है, ये आपका 5% हो गया। ये 5 कहां से आया, 0.05 है तो यहां दो जीरो है, दो जीरो आपका ये बराबर कर देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये 5% आ जाएगा, तो 5/100 आएगा, 5/100 को हम 5% लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आसानी से हम लोग क्या करेंगे, अगर दशमलव में दिया है, पॉइंट में दिया है, डेसिमल में दिया है, कुछ भी कह लें इसको, पॉइंट कह लें या डेसिमल कह लें या दशमलव कह लें, उसमें दिया है, तो कैसे हम लोग इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट था। इससे आई थिंक जो है चार एग्जाम्पल से आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा एक्सप्रेसिंग ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, एक्सप्रेसिंग ये परसेंटेज फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं एज ए परसेंटेज, यहां भी कह सकते हैं एज ए परसेंटेज। ठीक है, हमारा ये दूसरा टॉपिक है, ये ए था आपका, ये आपका बी है, ये एक्सप्रेसिंग ये फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज। फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपका दिया हो, पहला है अगर 2/5 दिया है तो कैसे करेंगे, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 2/5 × 100/100। ठीक है, मतलब कि इसमें भी आपका सेम कॉन्सेप्ट रहेगा इंटू 100, और भी तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि जो है लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है कि ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना कि इस जो है इस 100 को बचा के रखना है, मतलब कि ये परसेंटेज में लग जाएगा आपका, तो 5 × 5 और 5 × 2 = 10 = 20, 2 × 2 = 40, 40/100 हो गया आपका, तो आपका क्या हो गया 40% हो गया, 40/100 = 40%। ये अपॉन 100 ये होता है परसेंटेज होता है, परसेंटेज मीन्स कि 40 को 100 से डिवाइड करना है, इसका मतलब ये होता है कि 40 out of 100 सौ में से 40। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि जैसे कि अगर कोई 70% मार्क्स पाया है, तो अगर किसी सब्जेक्ट में 70 पाया है तो इसका मतलब कि वो 100 में 70 पाया है तो उसको 70% कहेंगे हम, आउट ऑफ 100 70 अगर पाया है उसको हम कहेंगे 70%। ठीक है, अभी परसेंटेज निकालने में बताएंगे कि कैसे जो है हम लोग कितना कोई परसेंट पाया है तो कैसे निकालते हैं, उसका मेथड क्या है। तो ये आपका रहा अगर फ्रैक्शन में है तो उसको कैसे हम लोग जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे एक ये रहा, दूसरा है आपका 4/5 + 7 ले लेते हैं, इजिकल टू हो जाएगा 4/5 × 100, ऊपर भी 100 नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 10 और 2 × 4 = 80 हो गया, 80/100 आ गया, इसका मतलब हो गया 80%, 80/100 इसका मतलब 80%, ये 100 आपको बचा के रखना है, इसको काटना नहीं है, इसको काटना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही आपका परसेंटेज जो है बनेगा ये। तो ये आपका रहा कैसे हम जो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे लिखते हैं। और एक जो है एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल आपका है, अगर 4/10 है तो दिख रहा है, ठीक है 4/10 है तो 4/10 into 100/100 10 जा आपका 40/100 इज इक्वल टू आप क्या हो गया 40%। ये आपका है कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं। फिर ये दोनों टॉपिक तो समझ में आ गए होंगे कि जो है डेसिमल को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं। आसान है, ऊपर और नीचे 100, इसमें भी दोनों में ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बुक्स में भी यही होगा, कई तरीके से वो जो जो राइटर होते हैं अपने तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। ये बेस्ट मेथड है क्योंकि ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब आसान रहेगा, याद भी रहेगा, तो वो मतलब कि जो है इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि हम लोग कैसे जो है परसेंट को फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कैसे लिखते हैं। आपका सी एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन फ्रैक्शन आर डेसिमल, मतलब कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग परसेंटेज को एज ए फ्रैक्शन और डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका है अगर 50% है, 50% है, 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50/100 लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी किया गया 80/100 को 80% किया गया, तो 80% को हम 80/100 लिख सकते हैं, वैसे 50% को 50/100 लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो अगर 50/100 है तो हम इसको काट सकते हैं, तो काट देंगे, अगर ये जीरो कटा ये जीरो कटा, 5 × 5, 5 × 10 अल्टीमेटली क्या आ गया 1/2, ये फ्रैक्शन आ गया, ये क्या हुआ फ्रैक्शन हो गया। और इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। जैसे कि इसको हम लोग एक जैसे इसको समझें हम लोग कि 50% है, 50% को ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फ्रैक्शन हो गया, तो ये आपका डेसिमल हो गया। तो इस तरह से इसको हम एक चार्ट से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर लिखा है यहाँ पे परसेंटेज आपका यहां है फ्रैक्शन और फिर यहां पे आपका आ गया डेसिमल, फ्रैक्शन परसेंटेज सॉरी परसेंटेज फ्रैक्शन डेसिमल। अगर दिया हुआ है 25%, 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, ये आपका आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो ये आपका क्या है 1/4 क्या है, ये कैलकुलेशन है 25/100 कट जाएगा तो ये 1/4 आएगा। इसके बाद जो है 1/4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0.25 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, 25 × 4 ये 1/4 आया, ये आपका 0.25 आ गया। दूसरा अगर 50% है, 50% तो 50/100 ये आपका कट गया 5 × 2 तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसको हम 0.50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परसेंटेज को एज ए फ्रैक्शन एज ए डेसिमल कैसे लिखते हैं, इसका कन्वर्जन का जो तरीका होता है क्या होता है, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ये कैलकुलेशन हम आपको दिखाए हैं। ये आपका कैलकुलेशन का कॉलम है,
कैलकुलेशन, ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन कॉलम है, ये आपका फ्रैक्शन और ये डेसिमल है। फिर अगर आपका दिया हुआ है 40% या आपका 70% दिया हुआ है, तो 70 को आप 70/100 कर सकते हैं या 75 कर लीजिए, 75 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में वो करना पड़ेगा। तो ये आपका 75/100 हो जाएगा, कटेगा 25 से कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा, या आपका 3/4 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे 0.75 लिख सकते हैं, 0.75 लिख सकते हैं। तो ये हम तीनों चीज़ों को, परसेंटेज को, डेसिमल को, फ्रैक्शन को, तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे आपको समझा दिए। अगर ये 100% होगा, इन केस ये 100% हो रहा है, तो 100 को 100/100 लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं परसेंटेज को हम लोग कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन से कैसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल आप लोग पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, और ये आपका परसेंटेज आज आपका चल रहा है, दो पार्ट में ख़त्म हो जाएगा इसको। आज थोड़ा सा जो है बेसिक चीज़ें ले रहे हैं, उसके बाद कल कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका फ्रैक्शन का ये जो है परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका टॉपिक रहा। इसको अगर ध्यान से समझ लेंगे, इसको इसको और इसको, तो परसेंटेज का इनिशियल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। परसेंटेज मतलब ही होता है कि आउट ऑफ 100 अगर 75 दिया है, 75% दिया है, तो 75% मींस कि 100 कोई डाटा था, 100 में कोई डाटा था, उसमें 75, जैसे अगर आपका कहना कहने का मतलब ये है कि अगर 75% आपका कोर्स कंप्लीट है, तो 75% मतलब ये है कि 100 टॉपिक थे, 100 टॉपिक थे, उसमें से 75 आपका कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 75% कंप्लीट हो गया। अगर उसमें 10 चैप्टर थे, 10 में से 7.5 कंप्लीट हुआ, इसका मतलब कि जो आपका 75% कंप्लीट हो गया। अगर 7.5 चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपका 75% कंप्लीट हो गया। अगर कोई काम है आपका, आप उसका 3/4 कर चुके, मतलब कि जो है 3/4 भाग कर चुके हैं, इसका मतलब कि 75% जो है आप काम कर चुके हैं। 0.75 आउट ऑफ 1.75 कंप्लीट हो गया है। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट बोलने की भी भाषा में, जब हम लोग बोलते भी हैं, जब कहीं कोई टॉपिक होता है तो हम परसेंटेज भी बात करते हैं, जो है बोलते हैं क्वार्टर भी बोलते हैं, क्वार्टर, हाफ, 3/4 ऐसे भी बोलते हैं, मतलब फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक रहा। अब देख लेते हैं कि परसेंटेज, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इसमें। जैसे अगर कोई कोई बंदा है, कोई लड़का है, मिस्टर एक्स है, एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स है, वो जो है अपने एग्जाम में, हाई स्कूल की एग्जाम अभी रिजल्ट में निकला है, हाई स्कूल इंटर का एग्जाम में मार्क्स जो ऑब्टेन किया है, दिखा देते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे अगर मिस्टर एक्स हैं, ये हाफ ईयरली में और एनुअल का, इनका 2 का है एनुअल, 2 का रिजल्ट है, साइंस है, हिंदी है, मैथ्स है, SST है और इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है। तो इसमें जो है ये आपका 75 कर देते हैं, इसमें 65 कर देते हैं, इसमें 80 कर देते हैं, इसमें 95 कर देते हैं, इसमें 85 कर देते हैं,
ये हाफ ईयरली में पाया, एनुअल में 80 हो गया इसका, 70 हो गया, 75 इसमें हो गया, 90 हो गया, ये 95 हो गया, ये मार्क्स पाया है। ये हाफ ईयरली का है, ये एनुअल का है। सबसे पहले जो है इनका टोटल करेंगे, ये आउट ऑफ 100 है, ये 100 मतलब कि ये 500 में हो गया, ये भी 500 में हो गया, ठीक है, आउट ऑफ 100 इतने मार्क्स पाएंगे। तो पहले ऐड कर लेंगे 5 5 10 और 10 10 20, 0 हो गया, 2 कैरी बचा, 7 2 9 6 15 और 8 23 और 9 32 और 8 4 40, ये 400 हो गया। ये हो गया आपका 10 9 9 9 और 7 16 और 7 23 और 9 32 और 9 41, ये 410 आ गया। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि टोटल इनकी मार्किंग कितनी है। आपका 75 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 95 प्लस 85 इज इक्वल टू 400, ठीक है। 80 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 95, ये आपका 410 सही है, दोनों से ये कैलकुलेशन। तो देख लेते हैं कि ये 500 में 400 पाए हैं हाफ ईयरली में, और एनुअल में 500 में 410। अब इनका परसेंटेज अगर निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑब्टेन अपॉन टोटल नंबर इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑब्टेन कितना है, ये 400, और टोटल नंबर कितना है 500 में, 500 में टोटल जो है 400 पाए हैं ये, और इनटू 100 कर देंगे तो क्या होगा, जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, यह हो गया 400 अपॉन 580, तो आपका क्या हो गया 80% आपका हो गया, क्या आ गया 80% आपका हो गया ये। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, आप 100 है तो इसमें अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 80% आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग आप परसेंटेज निकालते हैं कि ये आपका 80% ये पाएंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, अगर ये एनुअल में ये आपका रहा, हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में, और फिर एनुअल की जहाँ बात होती है, एनुअल में भी वही लगाएंगे, 400 अपॉन 500 इंटू 100, ये होगा परसेंटेज के लिए हम लोग 100 डिवाइड कर लेते हैं इसको, 100 से ये निकाला जाता है ये, तो या तो 100 अगर नहीं लिखते हैं तो पता, अगर कन्फ्यूजन है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे परसेंटेज हम लगाएंगे। तो ये आपका हो गया, कट गया ये दोनों जीरो आपका, यहाँ पे नहीं काटते हैं, 400 अपॉन 5 इंटू 100, सॉरी ये 410, तो आपका आ गया 82% आपका, 82% आ गया आपका। इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑब्टेन, जो ऑब्टेन किया अपन टोटल नंबर, डिवाइड कर देते हैं उससे और इनटू 100 कर देते हैं, और जो आपका ये परसेंटेज के लिए अपॉन 100 ये हो जाता है आपका। तो ये हो गया आपका निकालने का तरीका कि कैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और तो जैसा कि देखा कि इसमें जो है, अगर क्लास में 5 सब्जेक्ट हैं 100 100 के हैं, तो उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि किसी बंदे का कितना परसेंट आया, ठीक है। जैसा कि एक्स का निकाल के देखे कि हाफ ईयरली में एनुअल में कितना आया नंबर। अब देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं इसको प्रैक्टिकली। जैसे कि कोई है
निकालना है हमको, फाइंड, कुछ क्वेश्चन है, फाइंड 70% ऑफ टू कैप, क्वेश्चन में दिया है फाइंड 70% ऑफ 210। तो कैसे निकालते हैं 210 का 70%, तो 210 इंटू 70%, ठीक है, क्या होगा 7 × 7, 7 × 14, 147। अगर देखा जाए 210 का 70% कितना होगा, तो क्या होगा 147। कैसे, 210 इंटू 70/100, जीरो नीचे दो जीरो थे, ऊपर दो जीरो थे, दोनों जीरो कट गए, बचा क्या 21 × 7, 7 × 7, 7 × 14, 147 जो है ये 70% ऑफ 210, ठीक है, निकालना है। जैसे कि ये पहला फाइंड, ये पहला क्वेश्चन था, बी आपका आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया कि 40% ऑफ 500, 40% ऑफ 500, तो ये आपका ए था, बी आपका हो जाएगा 40% ऑफ 500, 500 इंटू 40%, 40%, दो जीरो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो जीरो ऊपर कट गए, 5 × 4 = 20, 200। अगर देखा जाए 500 का 40% जो है वो क्या होगा, 200 होगा। तो ये प्रैक्टिकल में हम लोग इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं कि अगर निकालना हो 40% ऑफ 500, 40% ऑफ 10,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इस तरह से निकालते हैं। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इस तरह से फाइंड करके बोल देगा वो, तो इस तरह से निकालना होगा। अब अगर देखा जाए, अगर ये कहा जाए कि कोई मिक्सचर ये थे, मिस्टर ये थे, मिस्टर एक्स थे मान के चलिए, उन्होंने, उनको मिला था 70 क्वेश्चन मिले थे या 60 क्वेश्चन मिले थे, 80 मान के चलते हैं, 80 क्वेश्चंस में से उन्होंने जो है 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया कि 80 क्वेश्चंस उनको मिले थे एग्जाम में, 80 में से उन्होंने 60 सॉल्व कर लिए। तो अगर पूछ रहा है कि कितना परसेंट वो सॉल्व किए, तो कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर मिस्टर एक्स को एक एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन मिले थे, उसमें से 60 सॉल्व कर लिए, मतलब 60 उन्होंने कर लिया है, तो कितना परसेंट क्वेश्चन उन्होंने कर लिया है, अगर ये निकालना है तो कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे हम, 60/80 कर देंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 4 × 2 = 8, 25 ये हो गया, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 25 × 3 = 75/100, इसको लिख सकते हैं 75% क्वेश्चन उन्होंने कर लिया था। आसान तरीका है कि आउट ऑफ 80 60 उन्होंने किया, तो 60/80 कर लिए, इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले भी बता चुके हैं, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 100 को हम बचा के रखते हैं, क्योंकि ये हमारा 100 परसेंटेज बन जाता है, तो ये आपका 75% हो गया कि उन्होंने 75% क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अब ये निकल, अगर ये निकालना है कि कितने परसेंट उन्होंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, कितने परसेंट क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन मिला दिया है, ये नहीं निकालना है, ये निकालना है कि कितने परसेंट क्वेश्चन उन्होंने नहीं सॉल्व किए, तो क्या करेंगे, कितना क्वेश्चन उन्होंने नहीं सॉल्व किया वो निकाल लेंगे, 20 क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, आउट ऑफ 80 60 उन्होंने सॉल्व किया था, अब ये जो है अनसॉल्व हो गया, अनसॉल्व हो गया, तो अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 20/80 करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ 80 20 नहीं सॉल्व किया, इंटू 100/100, जीरो कटा, 2 × 4 = 8, 2 × 10 = 4, 2 × 2 =
टू टू जा फोर, टू फाइव जा टेन, टू वन जा टू फाइव जा, आपका कितना आ गया 5 × 5 = 25%। क्वेश्चन उन्होंने नहीं सॉल्व किया, यहां 75 उन्होंने सॉल्व किया 75%, 25 इनका अनसॉल्व है। आपका अनसॉल्व कितना है 25%। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत लेंथी हो रहा है, छोटा छोटा हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 80 क्वेश्चन उनको मिले थे, आउट ऑफ 80 60 उन्होंने सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने परसेंट क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 60/80 × 100 × 100 करेंगे। अगर ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट क्वेश्चन उन्होंने नहीं सॉल्व किया, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि कितना क्वेश्चन उन्होंने नहीं सॉल्व किया, कितना नहीं सॉल्व किया उन्होंने, उन्होंने 20 क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, तो 20/80 से क्यों डिवाइड करेंगे हमेशा, क्योंकि आउट ऑफ 80 ही हमको निकालना है, 80 में से 20 क्वेश्चन उन्होंने नहीं सॉल्व किया था, तो 80 में से 20 निकालना है, वही 20 का आप 20/80 होगा, इंटू 100/100 कर देंगे। सबसे मतलब पहले हम बता चुके हैं कैसे करते हैं हम लोग, कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ये आपका अल्टीमेटली जो है 25% आ जाएगा। ये रहा आपका कन्वर्जन, मतलब कि जो है निकालना, जो प्रैक्टिकल हम लोग अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, कि कैसे परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। तो आपका एक टॉपिक ये था कि 70% ऑफ 210, 80% ऑफ 220 या वट एवर जो भी क्वेश्चन में दिया है। दूसरा ये था कि परसेंटेज निकालना था कि कितने सॉल्व किए हैं कितने नहीं सॉल्व किए हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। अब एक और टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें जो है क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका दिया है कि ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा टाइप का हो गया, तीसरे टाइप का आपका क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी नंबर का, कोई नंबर है, कोई नंबर है, उसका 20% आपका 400 आ रहा है। कोई नंबर है उसका 20% आपका 400 आता है, किसी नंबर का 20% 400 है, तो वो नंबर क्या होगा, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई नंबर था जिसका 20% 400 है, लेकिन वो नंबर नहीं है आपको पता वो कौन सा नंबर है, अगर वो नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। किसी नंबर का 20% अगर 400, तो नंबर कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो नंबर, ये नंबर जो है, लेट द नंबर नंबर इज एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स इंटू 20% इज इक्वल टू 400, ये क्वेश्चन में दिया था, आपका इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन बन गया कि माना कि वो नंबर x है, तो x का 20% 400 है, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या होगा, x/1 भी कह सकते हैं, ये जीरो कटा ये जीरो कटा, तो क्या हो गया 2x/10, या और भी काट सकते हैं, इसको काट लीजिए 2 × 2 = 10, तो क्या होगा x/5 = 400, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ अपॉन है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 400 × 5, तो x = 2000, हम लोग चेक भी कर सकते हैं, इसको चेक कर लीजिए, कि कह रहा कि x का 2000 का 20% निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है, जीरो कटा दो जीरो, दो जीरो कटा, ये आपका 400 आ गया, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है, इस तरह से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि किसी नंबर का 20% अगर 400 है, किसी नंबर का 20% अगर 400 है, तो ये नंबर क्या होगा, लेट द नंबर इज, लेट दैट नंबर कह सकते हैं, लेट दैट नंबर इज x, तो x इंटू 20% इज इक्वल टू 400,
x इंटू 20% इज इक्वल टू 400। तो 20 को हम इस तरह से भी काट सकते हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, 20 अपॉन 100 है ही, ठीक है, 21 जा 20, 25 जा 120, 1 अपॉन 5 हो गया, तो x इंटू 1 इज इक्वल टू x, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 400, तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 400, तो यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा तो 400 इंटू 5 इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू 2000, यहाँ पे हम लोग चेक करके निकाल लेंगे। अगर कोई किसी क्वेश्चन में वो नंबर नहीं दिया है जिसका परसेंटेज दिया है और परसेंटेज की वैल्यू भी दिया है कि कितना आया है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसको हम लोग कर लेंगे, लेट दैट नंबर इज x, तो x इंटू 20% इज इक्वल टू 400, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका रहा, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लेते हैं चौथा क्वेश्चन है कि माना जैसे कि ये कह रहा है कि किसी नंबर का 33 वन अपॉन 3 जो है वो आपका 300 आ रहा है, 33 वन अपॉन 3% का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कि अगर 33 वन अपॉन 3 दिया है तो इसका मतलब हो जाता है 100 अपॉन 3, अगर परसेंट दिया तो 100 अपॉन 3 × 100 हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 अपॉन 3 × 100 इसका टू आपका 300 हो गया, 3 × 100 इसका टू आपका ये नीचे दिया ये अपॉन होता है इंटू 100 होता है, ठीक है, तो ये 300 हो गया, तो 300 ये कट जाएगा तो 1/3 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब कि अगर 33 1/3% दिया है तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, 33 1/3% को हम 1/3% भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लेट द नंबर इज x, तो x इंटू 1/3 इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, तो x अपॉन 3 ये अपॉन 1 हो जाएगा, चाहे करें जाना करें, इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 300 इंटू 3 इज इक्वल टू दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 1 है तो आपका ये लिखते हैं, यहाँ डिवीजन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 900, x इज इक्वल टू क्या होगा 900, कैसे इसको हम कह सकते हैं 300 × 3, x इज इक्वल टू 900, तो इसमें आ गया x इज इक्वल टू 900, हम इसको चेक भी कर सकते हैं 900 का कितना है 1/3 कितना होगा, 1/3 आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा 300 इसका टू 300, आपका इस तरह से चेक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 33 1/3% अगर कभी दिया हो 33 1/3%, तो इसका मतलब कि 1/3 होता है, परसेंट नहीं 1/3 केवल होता है। जैसे फिर से एक बार इसको हम समझा देते हैं, अगर दिया है 33 1/3 कभी क्वेश्चन में दे दिया है 33 1/3%, तो उसका मतलब होता है 1/3, जैसे देखिए इसमें 33 1/3% इज इक्वल टू क्या होगा, 33 1/3 मतलब 33 × 3 इज इक्वल टू 99 + 1 इज इक्वल टू 100, 100 अपॉन 3% इसको हम लिख सकते हैं 100 अपॉन 3%, इसको हम फिर लिख सकते हैं 100 अपॉन 3 × 100 भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 अपॉन 300, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, बचा क्या 1/3 हो जाएगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं 33
वन अपॉन थ्री परसेंट अगर कहीं दिया है तो इसका मतलब कि वन अपॉन थ्री होता है, इसका मतलब वन अपॉन थ्री मतलब कि अगर 33 वन अपॉन थ्री परसेंट दिया है तो इसका मतलब वन थर्ड होता है, एक तिहाई परसेंट नहीं केवल वन अपॉन थ्री होता है ये, ठीक है। तो जहाँ पे जिस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन दिया है कि किसी ये अगर परसेंटेज में दिया है तो इसका मतलब कि उसको वन अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें चलेंगे तो और लंबा हो जाएगा, इसको भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये 100/3% हो जाएगा, 100/3% हो जाएगा, तो इसको ये भी हो जाएगा, लेकिन इसको करने के लिए क्या करेंगे फिर, इसको करने के लिए हम इस तरह से कर लेंगे, इसको x मान लिए हैं, x इंटू 100/3 × 100 कर लेंगे, ठीक है, इजिकल टू 300 हो जाएगा, फिर x इंटू 100/300 हो जाएगा, इसको इजिकल टू 300 हो जाएगा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, तो क्या हुआ x अपॉन 3 इजिकल टू 300 दिख रहा है, x अपॉन 3 इजिकल टू 300, तो इसलिए x इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इजिकल टू 900 तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने उसको समझाने के लिए बता दिया कि इसका मतलब कि यही होता है 33/3% का मतलब यही होता है, ये अपन एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी इस तरह का आ जाएगा तो फंस सकते हैं, अगर ये समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ जाएगा, इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए, दोनों की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं, तो जो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें देखे हैं परसेंटेज में कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखते हैं, कैसे डेसिमल को परसेंटेज में लिखते हैं, और कैसे डेसिमल और परसेंटेज सॉरी डेसिमल को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जैसे अगर हमने क्वेश्चन दिया था कि 80 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन उसने सॉल्व किया तो कितना परसेंट क्वेश्चन उसने सॉल्व किया है और कितना परसेंट क्वेश्चन उसने नहीं सॉल्व किया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखे, फिर इस तरह का क्वेश्चन देखे कि कोई नंबर है जो मिसिंग है उसका परसेंटेज दिया है और परसेंटेज की वैल्यू भी दिया है तो हम उस वो नंबर कैसे निकालते हैं उसको भी कर लिया हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से अगर जो क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से अगर क्वेश्चंस हैं तो परसेंटेज का क्या इम्पोर्टेंस है, परसेंटेज को हम कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब जो है कुछ एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद होमवर्क, पहले होमवर्क दे देते हैं, फिर अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, जो टॉपिक जो है आपका कुछ और टॉपिक है उसको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिलहाल पहले हम जो है आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में आपका क्या रहेगा, होमवर्क में दे देते हैं कि पहला क्वेश्चन है चेंज इनटू परसेंटेज, चेंज इनटू परसेंटेज आपका अगर ये 0.80 है ए, बी 0.55 है सी 0.035 है और डी 0.78 है तो, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया ए बी सी डी। दूसरा क्वेश्चन चेंज इनटू डेसिमल, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ए आपका है 25% है, 25 तो दिया था हम, 15% कर देते हैं, बी आपका है 15% है ये 10%, सी आपका है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है हम जो है वो भी दे देते हैं, फ्रैक्शन को भी दे देते हैं 2/5 को
और डी आपका है 1/5। इसको भी कैसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ये करना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए 15% ऑफ 250, बी आपका है 33 1/3% ऑफ 600, सी आपका है 150% ऑफ 400 और डी है आपका 35% ऑफ 450। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, ये तीन क्वेश्चंस आप करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस पर एक और लेक्चर होगा जिस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर क्वेश्चन समझ डिस्कस करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से जल्दी जो है करके हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि चेक करते आ रहे हैं, कुछ बच्चे भेजते हैं कुछ नहीं भेजते हैं, और आपको पता है कि जो है अभी तो स्कूल खुल नहीं रहा है, मान के चलिए कि 15 अगस्त के बाद ही खुलना है, अभी भी 1 से 1.5 महीने बचे हैं। और जो लोग हमारा वीडियो क्लास देख के पढ़ रहे हैं ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लिया करिए, क्योंकि आपका मतलब कि जो है स्किप ना हो या कोई चीज़ ऐसा ना कि मिस होता चला जाए। हम ये सोचते रहते हैं कि चलो जब स्कूल खुलेगा तो देखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग पढ़ रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनसे आगे पक्का रहेंगे वो लोग। ठीक है, कहीं से भी जो लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर टच में हैं, डेली 3-4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम तो है ही, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ काम होते हैं, काम को करने के बाद फिर पढ़ाई ही करना होता है, तो काम तो जो है 2-4-10 मिनट का, 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, एक दिन किसी दिन बिजी रहते हैं, बाकी टाइम खाली रहते हैं, रात में तो कोई काम होता नहीं, जो लोग दिन में नहीं पढ़ पाए रात में पढ़ सकते हैं। जो लोग रेगुलरिटी मेंटेन किए हैं 3-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, वो आगे रहेंगे। जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, चलो ठीक है यार घूमने का जो है एक मौका मिल गया 3-4 महीने का 5 महीने का, चलो मौज मस्ती करते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे, उनको कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, और इतना टाइम लगेगा कि मतलब कि उनका जो सिलेबस होगा वो बहुत पीछे रहेगा। ठीक है, उनका परसेंटेज भी कम आएगा, पास होने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि कोई चीज़ अगर प्रैक्टिस में नहीं रहता, वो छूट जाता है, तो फिर उसको रिकवर करने में, ध्यान करने में, रिमाइंड करने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, पहले पिछला कॉन्सेप्ट देखें, फिर आगे का देखें, जो चल रहा है उसको देखें, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इसलिए हमारा सजेशन यही है कि रेगुलर टच में रहिए, बुक जिसके पास नहीं है जो है वो बुक अपना आके जो है ले ले, या जो भी मैनेज करना हो मैनेज कर ले। ठीक है, बाकी पढ़ाई तो चलना ही है, हम तो कोर्स कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, और जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो उनकी बात ही अलग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क जो दिया हुआ है इसको करके एज सून एज पॉसिबल हमको दिखा दीजिए, फिर आगे का टॉपिक हम कवर करते हैं। थैंक यू।